आपने मेरी लाइफ को एक मजाक बना के रख दिया है बंटी, सिर्फ एक मजाक। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अब हमें सिर्फ समझाने का एक मौका दिया। बस बंटी, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। मैं जा रही हूं। माधव आया कि नहीं? वो रहा। ये आ गया। अरे क्या बात भैया, इतना जल्दी आ गए? हाँ चलो चलो, सामान रखो। अम्मा जी। हाँ चलो बैठ जा। मैं जा रही हूँ। क्यों, कहाँ जा रही हो? मैं अपने बाबा के घर जा रही हूँ। वैसे भी अम्मा जी, मेरे लिए उस घर में कुछ भी रुका तो है नहीं, इसीलिए अपने बाबा के घर ही रह आती हूँ। उनकी बहुत याद आ रही है। जैसे तुम्हारी मर्जी। सागरिका, तुम गाड़ी में रुको, हम आते हैं। अरे सागरिका, सागरिका हमारी बात तो सुनिए, आपको हुआ क्या है? सागरिका हमसे बात तो कीजिए। भैया बंगाली बड़ी चलिएगा। जी जी मैम। टैक्सी। सागरिका तो मानने वाली नहीं। चलिए भैया। कैसे मनाएंगे सागरिका को? अम्मा को क्या समझो? बंटी,
रश्मि बहू, तुम आंधी और तूफान की तरह मुंबई गई और सटपट वापस आ गई। कोनो बड़ी बात हो गई का वहां पर? भैया आप लोग आ भी गए, हमारे गिफ्ट लाए होंगे ना, दिखाइए ना प्लीज। दोरा चुप। बंटी सागरिका कहाँ है? जी जी वो सागरिका अपने पापा के पास गई। क्या का मतलब है? बस हो गए सवाल जवाब। ये भी नहीं किसी को चाय पूछे पानी पूछे। क्या टुकड़ टुकड़ देख रही है? सामान लेके जाओ कमरे में। बंटी तुम भी जाओ कमरे में आराम करो। पप्पू रानी बहू तुम भी जाओ। जा। चलो आ ही गए हैं तो चौका संभाल ही लेते हैं। चलो मामुनी, इतनी जल्दी लौट आई? सब ठीक तो है ना वहाँ? है बाबा, सब ठीक है। मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं चली आई। अच्छा पिशी माँ, तुम्हें आज क्या माँ के माछ भात खावाबे? बहुत टाइम हो गया ना आपके हाथ की मछली खाए। हाँ हाँ बनाऊंगी ना। बाबा कैन आई प्लीज हग यू? ऑफ कोर्स मम्मी। बंटी नहीं आया सर? तुम अकेला आया है? बाबा वो उनको ना घर जाना था इसलिए वो चले गए, बाद में आ जाएंगे। नहीं मतलब अगर वो आ रहे हैं तो उनके लिए वेजिटेरियन खाना बनवाएंगे ना? नहीं बाबा शायद आज तो नहीं आएंगे, मैं बंटी से बात करके बता दूंगी आपको। पिशी माँ आप ना अभी मछली बना दीजिए। तुम आज यही रहेगा ना?
हूँ। हैं पिशिमा, आज तो यही रहूंगी अपने रूम में। अच्छा चलो, हम तुम्हारे लिए चाय बनाता है और माज भात का भी तैयारी करता है। पिंटू, जरा बाजार जाकर ताजा माछ लेकर आओ ना। चल। पर अम्मा, कोई तो बात हुई होगी ना, वरना आपको इतना परेशान हमने कभी नहीं देखा। वो तो हम समय पे पहुंच गए, इसलिए बात होते होते रह गई, वरना तो। वरना क्या? वरना कुछ नहीं, वो बंटी की तबीयत जरा खराब थी और इन लोगों ने काफी सैर सपाटा कर लिया था, तो हमने कहा चलो अब घर चलो, बस हो गया। अम्मा जी, अब हम इतने भी बुद्धू नहीं है जितना आप हमें समझती हैं। खैर कोई बात नहीं, आपने बंटी जी और सागरिका का मिलन होने नहीं दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सत्या, ये चाय लो और जिस जिसको चाहिए उसको दे देना, ठीक है? हम आते हैं। जी अम्मा। अम्मा जी, आज तो बहुत खुश कर दिया आपने, उस बंगालन के सारे अरमानों पर पानी जो फेर दिया। बस अब तुम देखती जाओ सागरिका, हम तुम्हें अपने बंटी जी पर कभी हाथ नहीं डालने देंगे। कुछ दिन और सबर करो, हम तुम्हें बंटी जी के दिल और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए विदा करवा देंगे। उस बंगालन को और उस लड़की ने हमारी एक भी बात नहीं मानी कि रुक जाते हैं, पैकेज के कुछ दिन बाकी हैं। पर नहीं, इस कम अक्ल लड़की ने हमारी एक भी बात नहीं मानी और आग लगा दी हमारे सारे अरमानों में। डार्लिंग, गुस्सा शांत करो, हम आपके लिए पुदीने वाली गर्मा गर्म चाय लाए। पप्पू जी, हमें नहीं पीनी ये चाय, वाय बाहर रख दीजिए। हाँ। हमारा दिल जल रहा है और आपको चाय की पड़ी है। पप्पू जी, कितने अरमान थे हमारे कि मुंबई जाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, डिस्को जाएंगे, पर नहीं, सागरिका ने तो सबने पानी फेर दिया, सबका मूड ऑफ कर दिया। पप्पू जी, जानेमन आप ही बताओ, क्या घूमने का, फिरने का, खाने का, नाचने का हमारा मन नहीं कर रहा था, पर अम्मा आ गई तो क्या करते बता? दूर हटिए हमसे, हटिए हमसे, दूर दूर हटिए हमसे। तो आपकी महान अम्मा जी और ऊपर से ये सागरिका, एक बात कह देते हम आपको पप्पू जी, सागरिका ने जो भी हमारे साथ किया उसके लिए हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। बस तंग आ गए हम, हटिए यहां से, हटिए। डार्लिंग, सोना बेबी, ससुराल हनीमून तो जीवन में ग्रहण बन के आ गया। अगर आपको यही सब करना था तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? आपने मेरी लाइफ को एक मजाक बना के रख दिया है बंटी, सिर्फ एक मजाक। आप ऐसा क्या कहें सागरिका से कि वो हमारी बात मान जाए? आखिर उनका दिल भी तो हमने ही दुखाया, तो हमारी कोई बात मानने से रहे। Thank you.
चाहिए चाय। क्या है? है क्या है ये सब? क्या तांडव मचा रखा है आपने? सोचा ना समझा, सीधे पहुंच गई हनीमून, बस चमक गई वहां। लाख समझाया सारा व्यर्थ, उल्टे घड़े पर पानी। भाई बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनको थोड़ी सी छूट देनी पड़े, वरना डोर टूट जाती है। फिर ये तो शादीशुदा बच्चे, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप उनकी आजादी पर पाबंदी लगा रही हैं? ऊपर से कह रही हैं कि बच्चे बहुत आजाद हो गए हैं। हम एक बात के लिए आपको सावधान कर रहे हैं लक्ष्मी जी, अभी से बच्चों की जिंदगी में इस तरह की दखलंदाजी का परिणाम बहुत भयंकर होगा। दखलंदाजी? हम कहा दखलंदाजी किए हैं, बंटी बीमार था हमारा। तो ऐसा कौन सा बीमार था, ऐसा कौन सा रोग लग गया था, कौन सी बीमारी पकड़ ली थी आपके बेटे को? अटैक आ गया था, लकवा मार गया था, जो आपका जाना इतना जरूरी था, सब दिखता है आपको, समझी ना? आपकी मर्जी की ना हुई तो ये शादी को शादी मानने को तैयार नहीं है। जिस दिन से वो लड़की इस घर में ब्याह करके आई है, तब से हर रोज एक नया टंटा, एक नया बवाल खड़ा कर देती हैं आप। ये शोभा देता है आपको? हैं? बोलिए। हमें सुनाइएगा आप, हमारे अपने बच्चे हैं, उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो माँ कहलाएंगे क्या? दोनों का ब्याह करा दिया तो क्या हो गया? उनके बारे में सोचना बंद कर देंगे तो क्या पड़ोस के बच्चे पालेंगे? मजाक सोच रहा है आपको? हाँ, ये सब मजाक लग रहा है? मैं सोचा ना समझा, बस सीधे पहुंच गई बच्चे के हनीमून पर ताका झांकी करने। फिर वही बात, ताक झांक करने नहीं गए। तो कौन अम्मा पहुंचती अपने बच्चे के पीछे पीछे उसके हनीमून पर? देखिए लक्ष्मी जी, इस तरह की बेवजह की लगाम लगाइएगा ना तो एक न एक रिश्ता जरूर टूटेगा लक्ष्मी जी, आपका और बेटे का, या फिर बेटे और बहू का। एक मिनट, कहीं आप ये बात मन में ठान के तो नहीं बैठे हैं, बेटे और बहू के बीच में आके रहेंगे? एक बात के लिए आपको फिर से सावधान कर रहे हैं लक्ष्मी जी, ये खेल मत खेलिएगा, वरना बहुत पछताएंगे।